ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक 3 पुलिस ने एटीएम बूथ में घुसकर लोगों को झांसा देकर उनके खातों से पैसे निकालने वाले दो ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी शहजाद और मोहम्मद बिल्ला पिछले कुछ समय से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में इसी प्रकार की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने उन्हें रविवार को गाँव कुलेसरा मार्केट स्थित HDFC बैंक के एटीएम के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 107 एटीएम कार्ड, 7,300 रुपए नगद, 1 तमंचा और 315 बोर माए की एक जिंदा कारतूस और एक अवैध चाकू बरामद किया गया है। थाना इकोटेक 3 पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ, जिसमें दो टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया गया। इनका नाम शहजाद और बिलाल है। इन लोगों के पास से 107 अलग अलग कंपनीज के डेबिट और क्रेडिट कार्ड बरामद हुए। ये लोग टप्पेबाजी करते थे और इस तरह करते थे कि ये लोग जब भोले भाले लोग महीने की 1 से लेकर 10 तारीख के बीच जब आमतौर पर उनकी सैलरी आती थी, तो जब वो पैसा निकालने एटीएम जाते थे तो बातों में फंसाकर उनका एटीएम पिन जान लेते थे और बिल्कुल वादी के जैसे मिलता जुलता जो उनका एटीएम का कार्ड होता था उसी तरह के कार्ड ये लोग अपने पास रखते थे और उसको बदल देते थे। जब उनको वादी का एटीएम कार्ड मिल जाता था तो सबसे पास वाले एटीएम में जाकर पिन, क्योंकि वो ऑलरेडी देखे हुए होते थे, तो उनका पिन डालकर वो लोग पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। इनके पास से कुल 107 अलग अलग कंपनीज के डेबिट और क्रेडिट कार्ड बरामद हुए हैं। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनके पास से तमंचा और चाकू भी बरामद हुआ है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।